सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आपको मिल सके सबसे पहले। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन ने कांग्रेस को 10 सीटों का ऑफर दे दिया है। यह विचार देश में लगातार बदलते हालात के बाद हुआ है। सपा बसपा गठबंधन के नेताओं को लगता है कि इस हालात में एक एक वोट कीमती है और उसे व्यर्थ नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए कांग्रेस के लिए केवल 2 सीटें यानी रायबरेली और अमेठी छोड़ने वाली गठबंधन ने कांग्रेस को यह न्योता दिया है। अब कांग्रेस को यह तय करना है कि वह क्या कदम उठाती है। हालांकि कांग्रेस सूत्रों ने इस पर चुप्पी साध रखी है, मगर उनका यह जरूर मानना है कि देश में हालात लगातार बदल रहे हैं। ऐसे हालात में उन्हें भी अपनी रणनीति बदलनी होगी। यही वजह है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में इस बारे में कोई पक्की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस को दिए गए इस ऑफर के साथ ही समाजवादी पार्टी के सूत्र यह भी बताते हैं कि उनकी पार्टी कांग्रेस द्वारा पूर्व समाजवादी नेताओं के साथ संबंध बनाए जाने की कोशिशों से भी नाराज है। समाजवादी पार्टी खासकर शिवपाल यादव के साथ प्रियंका गांधी की टेलीफोन पर बातचीत करने से भी खफा है। यह भी खबरें थी कि कांग्रेस शिवपाल यादव की पार्टी के साथ गठबंधन करने जा रही है, मगर अब कांग्रेस के नेता इसे शिष्टाचार की बात कहकर टाल रहे हैं। यही नहीं, एनसीपी नेता शरद पवार और तेलुगु देशम पार्टी के नेता चंद्रबाबू नायडू ने कांग्रेस और ममता बनर्जी से बंगाल में गठबंधन करने का आग्रह किया है। साथ ही इन नेताओं ने कांग्रेस से कहा है कि दिल्ली में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। हालांकि अब दिल्ली का मामला साफ हो गया है, कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने से मना कर दिया है। दूसरी तरफ बंगाल में वाम दलों ने कांग्रेस के मौजूदा सांसदों के खिलाफ अपना उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया है। यही नहीं, सूत्रों की माने तो महाराष्ट्र में एनसीपी अपने कोटे में से एमएनएस यानी कि राज ठाकरे को 1 सीट देने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन लगभग पूरा हो चुका है और इसकी केवल घोषणा होना बाकी है। वहां पर बस अब यह देखना बाकी है कि क्या इस गठबंधन में दलित पार्टियों के लिए जगह होगी या नहीं, क्योंकि अठावले जैसे नेता जो अभी एनडीए का हिस्सा है, बीजेपी शिवसेना ने उसे अपने गठबंधन में जगह नहीं दिया है और अठावले इस बात से नाराज बताए जा रहे हैं। यानी विपक्ष के नेताओं की कोशिश है कि एनडीए के खिलाफ एक सशक्त मोर्चा बनाया जाए और उसके लिए इस चुनाव में अपने निजी और पार्टी हित से भी थोड़ा समझौता करना पड़े तो किया जा सकता है।